खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर प्रशासन की लापरवाही से एक निर्दोष की मौत हो गई। बता दें कि जनवरी में 4 बार बिल्डिंग में आग लग चुकी है। वहीं अग्निकांड में जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई है और इन हादसों में मौके पर 17 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। वहीं मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग ओनर से बैटरी का काम बंद करने को कहा गया था, लेकिन नहीं किया, जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। लखनऊ से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। एक भवन में, एक बिल्डिंग में आग लगी थी और ये एक कमरा था जहाँ पर की बैटरीज रखी हुई थी। वो एग्जैक्ट वहाँ पर इस समय क्या काम चल रहा था, ये अभी इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर इस कमरे में आग लगी जहाँ पर की ये बैटरीज रखी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवर चार्जिंग की वजह से क्या कारण रहा है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आग लगी और इसके बाद आसपास के जो भवन हैं वहाँ पर भी धुआं फैल गया। तो हमारे जो फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर आग के तत्काल काबू पाया और सभी लोगों को निकाला गया।